खबर गाजियाबाद से है, जहां एक महिला ने ट्रैफिक पुलिस पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। बता दें कि महिला अपने बच्चों के साथ तुराब नगर गई थी, जहां पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्होंने सड़क किनारे अपनी कार खड़ी कर दी। जब वो लौटी तो उन्हें पता चला कि पुलिस उनकी कार को खींचकर चौधरी मोड़ पर ले गई है, जिसको छोड़ने के बदले उनसे 500 रुपए मांगे गए। उनके पास कैश नहीं था तो पुलिस ने साइकिल दुकानदार के पेटीएम खाते में 500 रुपए ट्रांसफर कराए और उसकी कोई रसीद भी नहीं दी। बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर अफसरों से पूरे मामले की शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने रीट्वीट कर उनके चालान उनको भेज दिया। तुराब नगर बहुत गाजियाबाद में बहुत व्यस्त मार्केट है और यहाँ पर अक्सर जाम रहता है। यहाँ पर क्रेन लगा करके हम लोग टो की कार्रवाई करते रहते हैं। इसी क्रम में जब कोई भी गाड़ी उठाई जाती है तो उस पर ऑनलाइन 500 रुपये का नो पार्किंग का चलान होता है और 1000 रुपये टोइंग चार्ज, क्रेन का टोइंग चार्ज लिया जाता है, जो कैश दिया जाता है। ट्रैफिक पुलिस ने उस गाड़ी को बिल्कुल रोड पर लगी थी, उसके जाम लग रहा था, उसको उठा कर ले गई थी। उसको ऑनलाइन 500 रुपये का नो पार्किंग का चलान किया था और 1000 रुपये का टोइंग चार्ज का रसीद काटा था। उस महिला ने कहाँ से ला करके ट्रैफिक पुलिस को 1000 रुपये जो कैश, जो टोइंग चार्ज कैश दिया जाता है, जिसको रसीद दिया जाता है, वो लिया गया था, वो कहाँ से ला करके? मेरा नाम अनुराधा शर्मा है। अनुराधा जी, क्या हुआ था आपने से बात करके? मैं कल तुराब नगर में अपने बच्चे को कपड़े दिलाने के लिए गई थी और मैंने वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी तुराब नगर के सामने, कम से कम 25-30-40 गाड़ियाँ, मतलब पूरी रोड पर खड़ी रहती हैं। वहाँ जब मैंने देखा गाड़ियाँ खड़ी हैं तो मैंने भी अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, क्योंकि वैसे मैं ज़्यादा रश ड्राइविंग ट्रैफिक में करती नहीं हूँ, लेकिन कल बच्चे ने जिद करी तो मैं चली गई। अब उसके बाद पता चला कि वहाँ गाड़ी मेरी गायब हो गई। मैंने नियर अबाउट पूछा सभी लोगों से कि भाई कहाँ गई गाड़ी, यहाँ से गायब हो गई है, तो कहने लगे कि आपकी ट्रैफिक पुलिस वाले ले गए होंगे। ट्रैफिक पुलिस के पास मैं परेशान होती भी, पैदल पैदल पहुँचती भी, वहाँ चौधरी मोड़ पर पहुँची, चौधरी मोड़ पर जा करके देखा। लखनऊ में शहर में रहने वाले नागरिकों की समस्याओं के लिए समाधान के लिए विकास प्राधिकरण द्वारा नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी और सचिव पवन गंगवार के साथ अलग अलग विभागों के जिलाधिकारी मौजूद रहेंगे। बता दें कि इसका उद्देश्य शहर में रह रहे लोगों को हो रही परेशानियों को समझ कर उनका समाधान निकालना है, ताकि हर किसी को बिजली, पानी, सड़क, भवन निर्माण, ट्रैफिक, प्रदूषण आदि की जिस समस्याओं से जूझना ना पड़े, किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लखनऊ में वार्षिक कॉलेज फेस्ट कॉर्नकोडिया 2023 का आयोजन हो रहा है। बता दें कि 3 साल के अंतराल के बाद IHM कॉलेज में इस फेस्ट का आयोजन किया जाता है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के छात्रों द्वारा तरह तरह के आयोजन किए जाएंगे। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर MK दास ने प्राइम TV को जानकारी देते हुए कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के तहत लखनऊ के अलीगंज स्थित IHM कॉलेज में कॉर्नकोडिया 2023 का आयोजन किया जा रहा है। लोगों ने अभी एनुअल इवेंट जिसको यहाँ पे कॉर्नकोडिया का नाम पर सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी में बच्चे अभी प्रचार में लगे हैं और इसके तैयारियाँ बड़े जोर शोर से लगा हुआ है। तो ये 4 दिन का इवेंट है। पहला दिन में बच्चे कुछ स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, लेडीज़ का, जेंट्स का, अलग अलग स्थानों पर। तो इसके लिए हमें एक स्टेडियम भी अभी हमने किराए पर लिया है, LDA का स्टेडियम लिया है किराए पर। उसके बाद दूसरे दिन हमारा स्किट प्रेजेंटेशन और कल्चरल एक्टिविटी भी है, उसमें से जो जीतेगा उनकी होटल की तरफ से उनको प्राइज भी दिया जाएगा। जैसे 2 होटल अभी तक सामने आ चुके हैं, ताजमहल होटल जो कि मशहूर होटल है लखनऊ का, और नव होटल जो है यहाँ पे लखनऊ में है, ये सब अभी आगे बढ़े हैं। रायबरेली में चोरों का आतंक देखने को मिला है। एक घर में देर रात चोरों ने छत के दरवाजे से प्रवेश किया और घर में रखा सोने का सामान सहित 4500 नकदी में हाथ साफ कर रफू चक्कर हो गए, जिसके बाद पीड़िता ने कोतवाली में शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल इस बड़ी घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। घटी रात में करीब 2 बजे से 3:30 बजे के बीच में चोरी हुई है। अलमारी से सामान पूरा खुल के निकला और बाहर का भी ताला खुला था, ऊपर का भी खुला था। कैसे पता चला आपको? मेरी बहन उठी थी 3 बजे के आसपास, तब उसने देखा कि सामान ऐसे से चोरी, और मेरे रूम का जो बाहर से बंद हुआ था कुंडी, तो मम्मी जाके हमें जगाई, तब हम देखे कि क्या क्या चोरी थी। और उसके बाद अगल बगल के लोगों को बुलाया, फिर उसके बाद 1-2 लोग और आए पुलिस वाले, बस वो फोटो वोटो लेकर चले गए। चोरी में सामान क्या क्या गया? सामान में काफ़ी चीज़ें, वो चीज़ें तो मम्मी बता सकती है, जैसे कि पायल है, करदनी है, नाक का भी है, कान का भी है, करदनी है, 4-5 जोड़ी पायल है, 2 मंगलसूत्र है, झाड़।
अलीगढ़ में तेज रफ्तार मैक्स का कहर देखने को मिला है, जहां शराब के नशे में धुत मैक्स गाड़ी के चालक ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी है, जिसके बाद बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद लोगों ने चालक की जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि एक युवक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, तो वहीं पुलिस मैक्स गाड़ी और चालक को हिरासत में लेकर थाने ले गई है। ये रोनता हुआ लाया टाटा वाला, तो यहाँ पे पेट्रोल टंकी के सामने ये हादसा हुआ है। इसने बाइक वाले को मारा, बाइक वालों को, तो यहाँ बाइक वाला को, बाइक वाला को हमें पता नहीं है वो सही है या कितने लोग होंगे। दो लोग थे सर जी, बाइक वाला को हमें पता नहीं है अभी कैसी हालत है उनकी। उसके बाद में हमारी गाड़ी में मारा इन्होंने, हमारी गाड़ी में मारने के बाद गाड़ी बिजली के खम्भे में ढुकी है। उसके बाद में ड्राइवर चाबी लेके भाग रहा था, तो मैंने उसे पकड़ा है। तरफ से एक टाटा रौंदता हुआ और पेट्रोल टंकी के पास जाके उसने दो बाइक वालों को रौंदा, उसमें एक की हालत गंभीर है, एक के काफ़ी चोट है, और जो जिसकी हालत गंभीर है उसके कह नहीं सकते बचेगा या नहीं बचेगा। कौन सी गाड़ी ने रौंदा? टाटा ने, टाटा मैक्स है, टाटा मैक्स। दो मोटरसाइकिल वालों को रौंदा, उसके बाद वहाँ उसने क्या नाम है एक स्विफ्ट डिजायर में टक्कर मारी, उसके बाद लोगों ने उसे घेरा तो मैक्स लट्ठे में जाके टकरा। क्या उम्मीद है जो घायल है? क्या एक की हालत गंभीर है, एक की कह नहीं सकते। सिद्धार्थनगर में दो बाइक के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें परीक्षा देकर घर लौट रहे चार छात्राओं का दर्दनाक रोड एक्सीडेंट हो गया। चारों छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गए। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में पहुंचाया। चारों छात्राओं का इलाज जारी है। हादसा सदर थाना क्षेत्र के विशुनपुरवा के पास की है। रहने वाले कहां के हो? क्या मामला, कैसे हुआ है? सर कुछ याद ही नहीं सर, हम लोग आ रहे थे बाइक से, अचानक से बाइक। कहां जा रहे थे? सर घर आ रहे थे कानपुर से। एक गाड़ी कितने लोग थे? एक गाड़ी सर तीन लोग। क्या नाम है तुम्हारा? सैयद। रहने वाले कहां के हो? पुरानीनगर। क्या मामला हुआ, कैसे हुआ? हम लोग आ रहे थे गाड़ी से, हाँ गाड़ी वाला है, हाँ वही बीच में गाड़ी लेके खड़ा था। प्रयागराज के बाद अब अमेठी में भी डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। इस सनसनीखेज वारदात से लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि मंत्र के पास से लौट रहे पूर्व प्रधान प्रतिनिधि और उसके चाचा पर अज्ञात बाइक बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। आज 9 बजे ताना मुसाफिर थाना पुलिस का एक गोली चलने का सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के पता किए थे। उसके बाद द्वारा पता चला है कि बतौर गांव का दो लोग का गोली लग गई थी। दादरा गांव में ये घटना हुआ था। इसमें दोनों को तुरंत पुलिस ने अस्पताल भिजवाए थे, लेकिन वहाँ डॉक्टर के द्वारा इन दोनों का मृत घोषित किया गया है। अभी परिवार के द्वारा तहरीर प्राप्त किया है, अभी प्राप्त करके इसमें अभी एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। बाकी बॉडी का पोस्टमार्टम के लिए। जी कौन थे आपकी, कैसी घटना हुई है? सुरेश कुमार यादव हमारे भाई थे और सुरेश कुमार यादव अमीर हमारे चाचा थे। क्या घटना हुई आज? ये घटना हुई, इन्होंने वहाँ स्कूल के पास इनको मार दिया। आप लोगों को कैसी जानकारी मिली? हम लोग वहाँ, हम तो थे वहाँ पर। आप साथ में थे? हाँ। अच्छा, इसके पहले क्या इनके ऊपर कोई और भी हमले हुए थे? इसके पहले जलालुद्दीन ने स्वयं किए थे इनके ऊपर हमला, इनके दाहिनी साइड पर गोली लगी थी। क्या कभी सुरक्षा की डिमांड वमांड की गई थी? सुरक्षा की मांग किए थे हम लोग, उस पर CO और कोतवाल की। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।